हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम 2 मीटर के फैब्रिक में रेडीमेड फ्रॉक बनाना बताएंगे। हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। फ्रेंड, हमने फैब्रिक को ओपन करके फैब्रिक को हमने लंबाई में फोल्ड कर दिया है। ये फैब्रिक की लंबाई है। फैब्रिक की ओपन साइड आपकी साइड है, फैब्रिक की बंद साइड मेरी साइड है। इसके बाद हम फ्रॉक की लंबाई लेंगे। फ्रॉक की लंबाई हम 47.5 इंच लेंगे। अगर हमें इससे बड़ा फ्रॉक बनाना है तो हमें फैब्रिक 2.5 मीटर लेना होगा। 2 मीटर के फैब्रिक में इतना ही बड़ा फ्रॉक बन पाएगा। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम 7 इंच लेंगे। एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे, एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे, एक निशान हम 19 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। जितना हम शोल्डर लेंगे उतना ही हम आर्मोल भी लेंगे। आर्मोल का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 36 इंची, उसे 4 से डिवाइड करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो ऐसे इंची टेप को फोल्ड करिए। ये 2 फोल्ड है, इसके बाद फिर फोल्ड करिए। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया, 9 इंच निकल आया। अगर डिवाइड करना नहीं आता तो आप ऐसे इंची टेप को फोल्ड करके निकाल लीजिए। हम 9 इंची पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 30 इंची, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंची। कमर का निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी है 36 इंची, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंची। हिप का निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम चेस्ट के निशान को हम कमर के निशान से मिलाएंगे, कमर के निशान को हम हिप के निशान से मिलाएंगे। सभी निशान को हम आपस में मिलाएंगे। 1 इंची हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हमारा फैब्रिक कम है इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। अब सभी निशान को हम आपस में मिलाएंगे। आर्मोल में हम गुलाई देंगे। इसके बाद हम फ्रॉक के बॉटम में 5 इंच की लंबाई लेंगे। ये लंबाई हम फ्रॉक के ओपन साइड लेंगे। जो हमने 5 इंच की लंबाई ली है वहीं पर हम गुलाई करेंगे ऐसे। इसके बाद हम इंची टेप लेंगे। इंची टेप को ऐसे रखेंगे और साइड में चौक से निशान लगाएंगे इंची टेप के साइड में। फ्रेंड, हमने निशान लगा लिया है। फ्रेंड, हमने फ्रॉक के पीछे वाले पल्ले में निशान लगा लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने निशान लगाए वैसे हम फ्रॉक की पूरी कटिंग करेंगे। हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई है। फ्रॉक का बैक साइड का पल्ला है। इसके बाद हम फ्रॉक का फ्रंट साइड का पल्ला कट करेंगे। ये हमारा फैब्रिक है जो बचा हुआ है, इसी में फ्रॉक का हम फ्रंट साइड का पल्ला कट करेंगे। ये फैब्रिक दोनों साइड से ओपन है। हम बैक साइड वाला पल्ला लेंगे, इसी के ऊपर अच्छे से सेट करके हम बैक साइड वाला पल्ला रखेंगे। फ्रेंड, हमने बैक साइड वाला पल्ला अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हम फ्रंट वाले पल्ले में 1 इंची फैब्रिक एक्स्ट्रा कट करेंगे। फ्रेंड, ये हम आगे बताएंगे क्यों 1 इंची हम फैब्रिक एक्स्ट्रा कट करा रहे हैं। फ्रेंड, हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई है। फ्रेंड, हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने जहाँ हिप का निशान लगाया था वहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। हम फ्रॉक के पल्ले दोनों फोल्ड करके साइड में रख देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसके बाद एक निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद नीचे हम 1 इंची पर निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए।
इसके बाद हम ऊपर साइड में 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम सीधी लाइन खींचेंगे, ऊपर की साइड हम 1.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की गुलाई देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की मोहड़ी लेंगे 5.5 इंच। इसके बाद हम 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जैसे हमने निशान लगाया वैसे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के सेंटर में एक कट लगाएंगे। इसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करेंगे। राइट साइड हमारी दोनों अंदर की साइड है। इसके बाद हम स्लीव्स की आगे साइड गुलाई देंगे और इसको हम कट कर देंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड, या राइट साइड दोनों अंदर की साइड रहे या रॉन्ग साइड दोनों अंदर की साइड रहे। फ्रेंड इसके बाद हम फ्रॉक का फ्रंट वाला पल्ला लेंगे, जो दोनों पार्ट हमारा ओपन है। ऐसे ही दोनों ओपन कटा ही है फ्रेंड। इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे, पल्ले को अच्छे से सेट करेंगे जैसे हमने कट किया था। दोनों राइट साइड अंदर की साइड है। इसके बाद हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। नीचे के साइड हम 17 इंची पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ तक हम स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद हम 17 इंच ओपन रखेंगे। फ्रेंड हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक 1 इंची कट किया था, वो सिलाई में चला जाएगा। फ्रेंड हम यहीं तक स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद हम धागा कट करेंगे। इसके आगे हम ओपन रखेंगे फैब्रिक को। फ्रेंड हमारा दोनों पल्ला आपस में अटैच हो गया है। यहाँ से हमने फैब्रिक को ओपन रखा है। इसके बाद ऐसे हम फोल्ड करके इस पर स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद ऐसे हम फोल्ड करके इस पर हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी कोर साइड है। एक बार फोल्ड करके स्टिचिंग करने से फैब्रिक खुलेगा भी नहीं। अगर आपकी कोर साइड ना रहे तो इसे हम 2 बार फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड ये हमारा बन गया है ओपन साइड वाला। इसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे। हम ये बोट नेक बनाएंगे। नेक की लंबाई हम 4.5 इंच लेंगे। इसके बाद हम गोलाई करेंगे नेक में। अब जैसे हमने गोलाई की है वैसे हम नेक की कटिंग कर देंगे। फ्रेंड ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल में गुलाई देके कटिंग करेंगे। फ्रेंड हमारी कटिंग हो गई है। फ्रॉक के बैक वाला पल्ला लेंगे, नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे। नेक की लंबाई हम 2.5 इंच लेंगे। एक हम बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद हम नेक की गुलाई देंगे और जैसे हमने नेक की गोलाई दी है वैसे हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। फैब्रिक का एक पीस लेंगे, नेक के अंदर वाला फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे और जैसे हमारी नेक की कटिंग हुई है वैसे हम कट कर देंगे गोलाई में। फ्रेंड वीडियो में क्लियर देख लीजिए, जैसे कट कर रहे हैं वैसे ही कट करना है। फ्रेंड ये हमारी नेक पट्टी कट हो गई है।
इसके बाद कुर्ती के नेक के ऊपर नेक पट्टी रखेंगे अच्छे से सेट करके और स्टिच करेंगे। हम पूरे में अच्छे से स्टिच करेंगे। इसके बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से सेम आ जाती है डिज़ाइन पलटने के बाद और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब इसके बाद पट्टी को हम पीछे साइड पलटेंगे ऐसे फोल्ड करके और स्टिच करेंगे। स्टिच करने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। हमारी स्टिच हो गई है। ये हमारा नेक बन गया है बहुत फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हम बैक नेक बनाएंगे और एक पट्टी लेंगे उसे फोल्ड करके नेक के ऊपर रखेंगे राउंड में और स्टिच करेंगे। पट्टी को अच्छे से फोल्ड करके पूरे में स्टिच करेंगे। इसके बाद हम पट्टी को पीछे साइड पलट देंगे और स्टिच करेंगे। फ्रंट हमारा बैक नेक बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पल्ला रखेंगे। अंदर की साइड हमारी दोनों राइट साइड है। इसके बाद हम ऐसे पट्टी को थोड़ा फोल्ड करके स्टिच करेंगे कंधे पर। ये हम पट्टी को फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। इसके बाद एक और स्टिच करेंगे। ऐसे हम दूसरी कंधे पर ऐसे पट्टी को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। दो दो स्टिचिंग करेंगे इस पर। इसके बाद हम स्लीव्स को लेंगे फोल्ड करके स्टिच करेंगे इस पर भी। अब साइड में एक स्टिच और करेंगे। दो सिलाई मारेंगे हम। ऐसे हम दोनों स्लीव्स में स्टिच करेंगे। फ्रेंड हमारी दोनों स्लीव्स में स्टिच हो गई है। इसके बाद हम फ्रॉक को लेंगे। जो हमने स्लीव्स में आगे गहराई दी है हमारी आगे की साइड रहे, जिसमें गहराई नहीं है वो पीछे की साइड रहे, और हम आधी आधी स्लीव्स लगाएंगे। आधी आधी स्लीव्स लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। स्लीव्स कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और अच्छे से सेट हो जाती है। आधी स्लीव्स हम ऐसे लगाएंगे इस साइड से। ऐसे हम दूसरी स्लीव्स लगाएंगे। फ्रेंड हमने दोनों स्लीव्स लगा ली है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ स्लीव्स लग गई है। इसके बाद हम फैब्रिक की एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 3 इंची, लंबाई है 23 इंची। पट्टी को फोल्ड करके उस पर हम स्टिच करेंगे। इसके बाद हम किसी नुकीली चीज़ से पट्टी को पलट देंगे। ऐसे हम दूसरी पट्टी को पलटेंगे। फ्रेंड हमने दोनों पट्टी को पलट करके फीता तैयार कर लिया है। इसके बाद फीता ऐसे हम इसके अंदर रखेंगे और ऐसे हम दूसरी साइड भी रखेंगे और हम साइड में स्टिच करेंगे पूरे में। फ्रेंड हमने स्टिच कर लिया है साइड में। ये देखिए दोनों साइड। ये हमारी स्टिच हो गई है पूरे फ्रॉक में। इसके बाद हम फ्रॉक का बॉटम बनाएंगे। ऐसे हम एक बार फोल्ड करके पूरे में स्टिच करेंगे। फ्रेंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
हमने एक बार पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर ली है। इसके बाद ऐसे फिर से फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा बॉटम तैयार हो जाएगा। फ्रेंड ऐसे आप स्टिच करके देखिए, बहुत अच्छे से फ्रॉक का बॉटम तैयार हो जाएगा। फ्रेंड हमारे फ्रॉक का बॉटम बनके तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा बॉटम बनके तैयार हुआ है। ये हमारा फ्रॉक बनके तैयार हो गया है 2 मीटर के फैब्रिक में, बहुत ही प्यारा फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। इसके बाद हम बटन लगाएंगे फ्रॉक में, इससे फ्रॉक का लुक और ही प्यारा आएगा। फ्रेंड ये कुर्ती फ्रॉक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।